नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल पर। आज जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, बिकॉज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है, सो दैट साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू ही हम एक पता लगा पाते हैं कि भाई इस पेशेंट को या इस आदमी को ये दिक्कत है, या वो जिस बंदे को या जिस आदमी को ये चीज़ें हो रही हैं कॉम्प्लिकेशन, वो समझ सकता है कि हाँ भाई कुछ मेरे को हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन हमारे अंदर हो रही है। जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जानना है कि हार्ट डिजीज़ होता क्या है, ठीक है। जो हार्ट डिजीज़ है वो पर्टिकुलरली जो है हमारा, जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दैट ऑल कवर अंडर दिस हार्ट डिजीज़। चाहे वो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ प्रीलोड एंड आफ्टरलोड कंडीशंस, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कंडीशन हो जिसमें कोरोनरी की ब्लॉकेज हो रही है, या एरिथमिया की प्रॉब्लम है जिसमें रिथमिसिटी ऑफ हार्ट जो है वो फ्लक्चुएट आउट हो रही है एंड इरेगुलर हार्ट बीटिंग हो रही है, या एंजाइना की कंडीशन हो जिसमें कि आपके जो वैसोस्पाज्म हो जा रहा है या एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक प्रोग्रेशन हो जा रहा है, या आपकी अदर हार्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, कभी कभी एंडोकार्डियाइटिस की कंडीशंस होती हैं, या मिट्राल वाल्व में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण जो मिट्राल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होता, क्योंकि वाल्व का जो फंक्शन वो यही है कि यूनि डायरेक्शनल जो है ब्लड की फ़्लो करवाए, इट्स नॉट द फंक्शन दैट की बाई डायरेक्शनल हो। यूनि डायरेक्शनल फ्लो तब नहीं हो पाएगा जब वो जो मसल्स हैं, वो जो वाल्व है, वो अगर प्रॉपर इंटेंसिटी से क्लोज्ड आउट नहीं होंगी एंड तो उसके कारण हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आए, या आपका बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, कभी कभी डक्टस आर्टियोसिस की कंडीशंस हो जाती हैं जिसके अंदर कारण की पेशेंट्स को बहुत तक सफ़र करना पड़ता है, एंड इन्फेंट पेशेंट्स को ज़्यादातर। नाउ एज अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज़ जो है अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा, मोर देन 1 in 3, ठीक है, 3 लोग अगर हैं तो उसमें से 3 में से 1 से ज़्यादा लोगों को आज के समय में हार्ट डिजीज से वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें जो भी एडल्ट अगर सफ़र कर रहे हैं इस हार्ट डिजीज से, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें WHO के अराउंड से, तो 18 मिलियन पीपल जो हैं वो डाई होते हैं हर साल, जो है वो मरते हैं जस्ट ड्यू टू हार्ट डिजीज़ इन अ ईयर। 18 मिलियन आप समझ जाओ कि 1,80,00,000 लोग की डेथ होती है जस्ट ड्यू टू हार्ट डिजीज़ कॉम्प्लिकेशंस के द्वारा। अगर इसका अनुमानन आंकड़ा हम निकालें तो करीब ये 31% ऑफ ऑल डेथ है। अगर हम सारे डिजीज़ों को लेके देखें तो इसमें 31% जो डिजीज़ जो डेथ है वो सिर्फ ड्यू टू हार्ट डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नाउ अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज़, हार्ट डिजीज़ को आप समझ जाओ कि एक अम्ब्रेला है एंड उसका एक पार्ट है। हार्ट डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहली है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन जिसमें कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सर्कुलेट आउट हो रहा है, वो पर्टिकुलरली जिस अमाउंट में होना चाहिए उस अमाउंट में नहीं हो रहा है। दैट इज़ द कंडीशन विच वी कॉल इट एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन। सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कंडीशन जिसमें कि जो आर्टरीज़ है उसकी या तो ब्लॉकेज हो जा रही है या तो उसकी स्टिफनेस हो जा रही है, जिसके कारण चांसेस हैं कि या तो थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो या प्लैक डिपोजिशन की कंडीशंस हो सकती है, एंड नैरोइंग ऑफ जैसे ही आर्टरी हो होती है तो उसके कारण क्या होता है कि हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसको कि हम इस्चीमिया भी कहते हैं एक तरीके से, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। एरिथमिया की कंडीशन है जिसके अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, जिसमें कि हार्ट रेट जो है वो टैकीकार्डिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो ब्रैडीकार्डिया में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा घट जाएगा। फिर उसके साथ आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर की भी कंडीशन है जिसमें कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन में हमारा रैपिड हार्ट रेट हो जाता है। अब रैपिड हार्ट रेट हो रहा है तो उसके कारण ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है एंड
विद डैट कि ये सब सारी कॉम्प्लिकेशन जो है एरिथमिया की कंडीशंस में होती हैं। सो एंजाइना की कंडीशंस जैसे कि स्टेबल एंजाइना, प्रिंजमिटल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक तरीके से होती हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजाइना होती हैं। सो ये सब सारी कंडीशंस जो हैं वो एंजाइना के अंदर आती हैं, जिसमें कि हो सकता है कि आपका कोरोनरी का भी वैसोस्पाज्म हो जाए, कोरोनरी स्पाज्म हो जाए या कोरोनरी का ब्लॉकेज हो जाए। सो दैट लीड टू एंजाइना कंडीशन। उसके अंदर हम बहुत सारी ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट या पोटेशियम चैनल ओपनर विच इज़ ए निक्रोनिडल भी देते हैं इस कंडीशंस के अंदर। हार्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस हो गए कभी कभी, जैसा मैंने आपको बताया ही है, एंड बर्थ डिफेक्ट के कारण भी कुछ कुछ इरेगुलरिटीज़ या एबनॉर्मलिटीज बॉडी के अंदर या हार्ट के अंदर पर्टिकुलरली आती हैं। ना अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो हमारा जो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये पता लगाया गया है कि 50% ऑफ जो पीपल मरते हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ और दैट थिंग्स, पर्टिकुलरली फॉर कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ विच इज़ प्रोमिनेंटली प्रेजेंट ऑन द हार्ट। सो दे डिडेंट इवन नो दैट दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिम्टम्स। सो जो 50% लोग मर रहे हैं, उनको उस तरीके की, उस इंटेंसिटी की सिम्टम्स नहीं आती है, एंड दैट लीड टू अ डिजीज़ ऑफ द पेशेंट्स, बिकॉज धीरे 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 ब्लॉकेज हो रहा है, धीरे 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 आर्टेरियल स्टिफनेस जो है वो डिटोरिएट आउट होते जा रही है, स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, एंड इट लीड टू अ मैनी चांसेस ऑफ दैट हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर कंडीशन इन द पेशेंट्स। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अर्ली जो साइंस है हार्ट डिजीज़ का वो हमें पता रहे। सो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिससे कि डेवलप हो सकता है कि हमें हार्ट डिजीज़ होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है हमारा एज। एज इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ते जाता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्या है कि जो हमारी हार्ट की चाहे वो लेयर हो, चाहे वो ब्लड वेसल्स की लेयर हो, उसकी जो इनर लेयर है उसकी जो डैमेजिंग है वो ज़्यादा होने लगती है ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेटिव एजेंट्स। सो उस ऑक्सीडेटिव एजेंट के कारण ज़्यादा डैमेज होगा तो जो इलास्टिसिटी है, चाहे वो ब्लड वेसल्स की हो या कोरोनरी आर्टरीज की हो, वो इलास्टिसिटी डिटोरिएट आउट करेगी, एंड दैट लीड टू नैरोइंग ऑफ दैट ब्लड वेसल्स और कॉरनरी आर्टरी। और हार्ट की मसल्स की जो इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की, वो भी वीकन हो जाती है विद द एज। सेकेंड जो सबसे मेन प्रोमिनेंट पॉइंट है वो है जेंडर। जेंडर में ये चीज़ देखा गया है कि मेल जो है इज़ मोर प्रोमिनेंट ऑफ हैविंग द हार्ट डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में भी अब तो आज की कंडीशंस में हो रहे हैं, बट बहुत हद तक फीमेल में आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज़ल ये चीज़ें हार्ट डिजीज़ की जो रिस्क हैं वो बढ़ जाती हैं। प्री मेनोपॉज से पहले जो है वो चीज़ नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट दी हार्मोन विच इज़ प्रेजेंट इन दी फीमेल विच इज़ एस्ट्रोजन विच हेल्प इन वैसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कोरोनरी आर्टरीज। सो दैट इज़ द मेजर फैक्टर। नाउ द थर्ड एंड मोर प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर इज़ द फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता को अर्ली एजेस में अगर ये हार्ट डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, सो इट लीड टू द कंडीशन दैट कि आपके अंदर भी एक समय के अनुसार जो है आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ये डेवलप होंगी। सो विद दैट क्या होगा कि आपको पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा कि भाई मेरी जो फैमिली है वो इसमें प्रोन है, इसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या इस पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। सो इन दैट कॉम्प्लिकेशन वी नीड टू बी अ मोर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इन दैट सेंस। नाउ अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो ये हमारा है स्मोकिंग। सो स्मोकिंग का मतलब ये है कि स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि दो चीज़ें हैं मेन प्रोमिनेंटली, जो दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको। पहला है आपका निकोटीन। सो निकोटीन क्या करता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको टाइटन करता है, क्योंकि निकोटीन एक तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। प्लस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो सीक्रेट से निकलता है, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड डैमेज करता है इनर लाइनिंग ऑफ दी ब्लड वेसल्स को।
और कोरोनरी आर्टरीज़ को भी, जिसके कारण क्या है कि जो उसकी इलास्टिसिटी है वो डिटोरिएट आउट कर गई है एंड इट लीड टू अ मोर प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन दी कोरोनरी आर्टरीज। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि आप बहुत कम खाना खा रहे हैं इसलिए, पुअर डाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कम अमाउंट में फैट ले रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में फैट ले रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट ले रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में शुगर ले रहे हैं या ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। ये चारों चीज़ें जो हैं आपकी सेहत के लिए और प्रोमिनेंट तौर पे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही प्रोहिबिटेड है, क्योंकि फैट जो है एक तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोग्रेशन में हेल्प करेगा, सॉल्ट जो है हमारा हाइपरटेंसिव कंडीशंस को इंड्यूस करने में हेल्प करेगा, शुगर जो है हमारी डायबिटिक कंडीशन को इंड्यूस करेगा एंड डायबिटिक कंडीशन के कारण शुगर जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा बढ़ेगा एंड दैट हायर ग्लूकोज लेवल विल गोइंग टू डैमेज द ब्लड वेसल्स एंड द इनर लेयर ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स। कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी यही करेगा कि हमारे जो प्रोग्रेशन है प्लैक का, उस प्रोग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो ये चीज़ें हो गई। नाउ सिक्स्थ पॉइंट ये है कि अनकंट्रोल्ड हाई बीपी। अगर हमारा बीपी जो है अनकंट्रोल लेवल पे है और हम उस मेडिसिन को, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, अगर उसे हम नहीं ले रहे हैं, सो इन दैट केसेस जो है हार्डनिंग और थिकनिंग जो है हमारे आर्टरीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हार्डनिंग और थिकनिंग बढ़ जाती है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो डिटोरिएट आउट कर जाएगी, और जब इलास्टिसिटी डिटोरिएट आउट कर जाएगी सो ब्लड फ्लो की जो इंटेंसिटी है वो डिटोरिएट आउट कर जाएगी एंड इट लीड टू अ मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग दी थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन और माइट बी दी एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोग्रेशन। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज डायबिटिक कंडीशन। डायबिटिक कंडीशन भी यही है कि हमारे जो वेजल्स हैं, आर्टरीज हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं या ब्लड वेजल्स हैं, उस पर एक तरीके से उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो EDRF रिलीज़ करने की, EDRF के थ्रू जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करने की इंटेंसिटी है, उन सारे पे ये डैमेज करता है जब पेशेंट डायबिटिक हो। सो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को ये देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखा जाए, क्योंकि अगर वो शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा सो देर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट चांसेस दैट द पेशेंट इज़ गोइंग टू हैव अ हार्ट डिजीज़। और कभी कभी क्या होता है कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की कंडीशंस भी हो जाती हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, और उस कंडीशन में क्या है कि जो सीने में दर्द होगा वो भी आपको नहीं फील नहीं होगा उस तरीके से, क्योंकि आपकी नर्व डैमेज है, तो नर्व डैमेज है तो सिग्नलिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट आउट हो जाती है। नाउ एट्थ पॉइंट है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है ड्यू टू क्रॉनिक कोई भी हार्ट डिजीज़ होने का एंड फिज़िकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करिएगा, फिज़िकल एक्टिविटी आप कम करिएगा तो सो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो रही है, फैट की डिपोजिशन हो रही है, आपकी सॉल्ट की डिपोजिशन हो रही है, सो इट लीड टू एक्सेसिव डिपोजिशन अगर इन सब की होती रहेगी सो ब्लड के अंदर ये ज़्यादा सर्कुलेट होते जाएगी एंड इट लीड टू अ मोर अमाउंट ऑफ डिसलिपिडीमिया इन द ब्लड एंड मोर अमाउंट ऑफ चांसेस ऑफ कॉजिंग द हार्ट डिजीज़। नाउ टेंथ पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न टू इंड्यूस द हाइपरटेंसिव कंडीशंस, टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेशंस इन द पेशेंट्स। सो नाउ अगर हम बात करें तो साइन क्या है, अगर हम साइन प्रोमिनेंटली बात करें सो फर्स्ट साइन ये है कि अनएक्सप्लेन्ड अगर पेन आ रहा है हमारे अपर रीजन में, टॉर्सो रीजन में, हमारे छाती के रीजन में, नेक में, ऊपर वाले गले वाले रीजन में एंड जॉ में, हमारे जबड़े में, तो ये एक सिम्टम्स है कि हमें हार्ट डिजीज़ होने के, हार्ट डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे हार्ट बीट का इररेगुलरेशन। वो हम एक जो भी है हमारे पास, अगर पल्स में हमारे पास बीपी मशीन है या हमारे पास पल्स मीटर है सो उससे थ्रू हम नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट कितना फ्लक्चुएट कर रही है, क्या वो 100 से ऊपर जा रही है, क्या वो 60 से भी नीचे जा रही है। सो उस कंडीशंस के अंदर हम जो हैं एक तरीके से देख सकते हैं, अगर ये नॉर्मल नहीं है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इररेगुलर हार्ट बीट रहे,
कम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट भी हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा कि भाई कॉम्प्लिकेशंस क्या है। हो सकता है कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो या एट्रियल फ्लटर की कंडीशंस हो, जिसमें कि रैपिड हार्ट रेट हो रहा है। ड्यू टू क्या कि एट्रिया और वेंट्रिकल का इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल का कोऑर्डिनेशन है वो अगर इनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा तो पेशेंट विल गोइंग टू सफ़र फ्रॉम एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फ्लटर कब होता है, जब हार्ट का अपर चैम्बर बीट करना बहुत ज़्यादा जल्दी करने लगता है, मतलब एट्रियल रीजन जो है वो ज़्यादा जल्दी बीट करने लगेगा, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ एट्रियल फ्लटर। नाउ द थर्ड एंड मेजर सिम्टम्स इज डिजनेस एंड फेंटिंग, चक्कर आएगा और बेहोशी जैसा लगेगा, ठीक है। और तीन चार और मेन जो सिम्टम्स हैं, जैसा कि आपने देख लिया इरेगुलर हार्ट बीट आपने सुन लिया। सेकेंड बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं जिसमें कि मतलब एंजाइना की कंडीशन में और ज़्यादा इंड्यूस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ की भी शॉर्टनेस होगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन, अगर हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के रीजन में, वो पूरी तरीके से सप्लाई नहीं होगी, तो दैट लीड टू अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चेस्ट जो है चेस्ट पेन होगा एंड एंजाइना की कंडीशन जो कि हमने आपको बता ही दिया। एक्सट्रीम फटिगनेस, ज़्यादा थकावट लगेगी आपको। एंड द फिफ्थ एंड मेजर पॉइंट इज़ द टिंगलिंग, आपको सेकिंग होगी, नंबनेस होगी, कुछ फील नहीं होगा, कोल्डनेस होगी, ठंडा लगेगा, और वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। ये सारे जो है मेजर एक तरीके से सिम्टम्स हैं हमारे हार्ट डिजीज़ के पर्टिकुलरली। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो कीप सपोर्टिंग फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल। थैंक यू सो मच।